वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आईपीएल की दो बड़ी टीमों से बहुत बड़ी ट्रेड की खबर निकल के आ रही है, जिनका नाम निकल के आया है आरसीबी टीम और मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीमें देखा जाए तो एक ट्रेड में एंगेज है। ये दोनों टीम एक ट्रेड कन्फर्म करती हुई नजर आ सकती है इस ट्रेड विंडो में, जो आप लोग को अभी ऑक्शन के बाद देखने को मिल रही है। तो वही मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी टीम के फैन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिवाल ब्रेवर्स की ट्रेड की बहुत ज्यादा खबर निकल के आ रही है, वहीं पर देखा होगा कि आरसीबी टीम तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ही डिवाल ब्रेवर्स में, और वहीं पे दिखाया है तो एमआई टीम में उनकी फिलहाल अभी जगह नहीं बन रही है। एमआई टीम बोल रही है कि आप हमें कोई भी इंडियन प्लेयर दे सकते हो या फिर हमें लॉकी फर्गसन या फिर टॉम करन में से कोई भी एक प्लेयर ट्रेड कर दीजिए, बदले में आप डिवाल ब्रेवर्स ले लीजिए। वहीं पे आरसीबी के फैंस को तो आप जानते हो, उन्होंने वैसे ही कहा है कि बेबी ये भी यानी कि हमें डिवाल ब्रेवर्स तो अपनी टीम में चाहिए। वहीं पर आरसीबी टीम शायद इस ट्रेड को कंफर्म करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए एबी डिविलियर्स आरसीबी की टीम से खेले और मेरे हिसाब से डिवाल ब्रेवर्स भी आप लोगों को आरसीबी की टीम में देखने को मिल सकते हैं। फिर आरसीबी की टीम के जो ऑलराउंडर्स हैं वो और ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए डिवाल ब्रेवर्स अच्छी खासी पावर बैटिंग करना जानते हैं। ऐसे 20 लीग में उन्होंने अच्छी खासी पावर बैटिंग की है। वहीं पे देखिए देखा जाए साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, उसमें भी अच्छी खासी उन्होंने देखा जाए बैटिंग की है। वहीं पे देखिए स्पिन बॉलिंग करना जानते हैं, तो आपके लिए स्पिन का भी ऑप्शन लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत फंस के ये आ रही है कि आरसीबी टीम लॉकी फर्गसन को ट्रेड नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए लॉकी फर्गसन देखा जाए तो आरसीबी को लो बजट में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा पेसर मिल गया है। अगर आरसीबी टीम उन्हें मिनी ऑक्शन में किसी और मिनी ऑक्शन में खरीदती मेरे हिसाब से 7 से 8 करोड़ उन्हें देने पड़ते, लेकिन लॉकी फर्गसन का 2 करोड़ में मिलना ये बहुत बड़ा देखा जाए अच्छी बाई थी आरसीबी की टीम के लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस ने टॉम करन या फिर लॉकी फर्गसन में से किसी एक प्लेयर की डिमांड की। अब देखना पड़ेगा कि आरसीबी कौन से प्लेयर को ट्रेड करती है या फिर इंडियन प्लेयर को ट्रेड करती है। अब इनमें से कोई भी अगर बड़ी खबर निकल के आएगी मैं सबसे पहले आप लोग इस वीडियो बता दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।